एविडेंस है पर पुख्ता एविडेंस नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि दशरथ सर जानबूझ के हमारे साथ ऐसा करते हैं। ये अलमारी कैसे खुली है? शास्त्री का सर कहाँ गया इसमें से? सर वो तो इसी कबाड़ में रखा था। अरे जानते हैं इसमें था? कौन आया था चौकी में? सर ना कोई चौकी के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया, फिर कहाँ जा सकता है? सर लगता है गायब हो गया। अरे जानते हैं गायब हो गया, अंधे नहीं है हम। दशरथ सर को क्या जवाब देंगे हम कि पुलिस स्टेशन से सर गायब हो गया? ताकि ढूंढिए जी। छुपे बिंदु, तुम्हें तो पता ही होगा सब, कहीं तुमने तो नहीं किया ये सब? अगर हमने कुछ किया भी है तो तुम्हें लगता है हम तुम्हें बताएंगे? बिंदु, तुमने शास्त्री के सिर के साथ क्या किया है? कहाँ गायब किया उसको? हम यहाँ सलाखों के पीछे, भला हम कैसे बाहर आ सकते हैं? ये हम नहीं वो कर रही है, और ये विनाश का संकेत है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अरे बस चुप चुप, अगर यही बकवास करने अपना मुंह बंद रखो तुम। और अगर हमें पता चला कि तुम्हारा साथी इसमें इन्वॉल्व है सबूत मिटाने में, तो छोड़ेंगे नहीं। तुम यहाँ चौकी के अंदर, हम यहाँ सलाखों के पीछे, ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, तो शास्त्री का सिर कौन ले जा सकता है? और आज की रात उसकी रात है, सिर्फ 10 घंटे बचे और अब तक सिर्फ उसकी आहट सुनाई दे रही है। 10 घंटों बाद सिर्फ चीखें सुनाई देंगी। शट अप।